आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन रीजन का दिया हुआ है। असर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? असर्शन है कि अ टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव नो बार बॉडी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम एक टाइप की मोनोसोमी है। मोनोसोमी से हमारा मतलब है कि एक एनिप्लॉयडी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल फीमेल में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स में से जो एक एक्स है, हमें पता है फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें से एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो हो जाता है डिलीट। तो कितने बचे हमारे पास, मान लीजिए हमने 46 क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास टोटल इस फीमेल में जिसे टर्नर सिंड्रोम है उसमें बचे 45 क्रोमोसोम्स। तो अब हम अगर इसे डिनोट करेंगे तो हम कहेंगे 2n-1 वाली कंडीशन है, जिसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम हट गया है। और क्योंकि ये एक एक्स हट जाने की वजह से ये स्टेराइल होती है, ये शॉर्ट हाइटेड होती है, और जो ब्रेस्ट होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, और इसमें ओव्यूलेशन भी, रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, इस वजह से नहीं होता है। तो बेसिकली ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो अब हम समझ लेते हैं कि बार बॉडीज़ क्या होती हैं। तो बार बॉडीज़ हमें किसी भी सोमैटिक सेल में, तो मान लीजिए हम डब्ल्यूबीसी ले लेते हैं, डब्ल्यूबीसी में अगर हम चेक करेंगे तो जो हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर हेट्रोक्रोमैटिन होता है जो कि ट्रांसक्राइब नहीं करता है, और यूक्रोमैटिन होता है जहाँ पे ट्रांसक्राइब होता है। तो मान लीजिए हमारा डब्ल्यूबीसी है, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो अगर एक नॉर्मल फीमेल है जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पर उसके न्यूक्लियस में एक ऐसे ड्रमस्टिक टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो ड्रमस्टिक टाइप है इसी को हम बार बॉडी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। माने कि जो दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक क्रोमोसोम हो जाता है इनएक्टिव, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन होता है, उसमें जीन्स का एक्सप्रेशन करने के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम्स काफ़ी है। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और वो पाया जाता है हेटरोक्रोमैटिन में, जो कि डार्कली स्टेन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, यानी कि इसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो ये होती है बार बॉडी। तो अब हमें पता है कि टर्नर सिंड्रोम में तो सिर्फ एक ही एक्स होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमें टर्नर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल में कोई भी बार बॉडी नहीं मिलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट असर्शन, जो स्टेटमेंट है, वो जाता है ट्रू। अब आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड वो इसका रीज़न दे रहा है कि हर सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सो। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम अगर टर्नर सिंड्रोम की कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे जीन का, तो वो होगा हमारा 44+ एक्स ओ। तो ये तो हमारे ऑटोसोम्स थे और ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम है जिनमें से एक एक्स डिलीट हो चुका है, हट चुका है, तो हम ऐसे शो करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आवर आंसर इज ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।